Hello everybody, welcome to Abhimanyu IS, the leader in the preparation for the UPSC and State Civil Services examinations, which has so far produced more than 2200 selections since its inception in 1999. May Dr. HSidu Hs. Abimenu IS me, Indian Economy and International Relations teach kartang. I have been mentoring the civil services aspirants for more than 15 years, and I have authored many books also for the preparation of the UPSC and State Civil Services examinations. So, before moving ahead, let me share an important piece of information with you. We at Abimaneu IS are commencing fresh batches for the preparation of the UPSC and State Civil Services examinations, prelims and mains targeting 2023-24. दिस विल भी वन ईयर प्रोग्राम अवेलेबल थ्रू ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड वी आर प्रोवाइडिंग सेवन डेज फ्री ट्रायल क्लासो इफ़ यू वॉन्ट टू ज्वाइन यू मे क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन तो अभी अभी मन आई एस में हमने एक कॉन्सेप्ट सीरीज इस्टार्ट की है इस सीरीज के अंदर हमारे जो फैकल्टी मेम्बर्स हैं वो अपने अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज से इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट हैं उनको डिस्कस करते हैं और आज जो कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कशन के लिए सिलेक्ट किया है दैट इज़ रिलेटेड विद द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड रिलेशन एंड द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज आर ओ डी टी ई पी तो बेसिकली ये जो आर ओ डी टी ई पी क्या है दिस इज रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्से ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स तो ये बेसिकली क्या है कि जो तो भारत सरकार पहले अपने एक्सपोर्टर्स को एक सब्सिडीज़ देती थी सब्सिडीज मीन्स क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटल नेक्स हैं तो उस infrastructure, उन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटल नेक्स के चलते हुए जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आती है एक्सपोर्टिंग कॉस्ट तो देयरफॉर इन द वेक ऑफ दैट वो ग्लोबल मार्केट में फिर वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहती एंड टू मेक देम कॉम्पिटिटिव सो ये जो उनकी जो एडिशनल कॉस्ट थी सो so जो ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटल नेक्स आती थी सो so उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सब्सिडीज़ की फॉर्म में कंपेंसेट करती थी टू मेक देम कॉम्पिटिटिव इन द ग्लोबल मार्केट बट ये डब्ल्यू में इशू रेज हुआ इंडिया है जो वो आ, अपने एक्सपोर्टर्स को सब्सिडीज देता है एंड दैट इज़ नॉट अलाउड एज पर द डब्ल्यू टी ओ नॉर्म्स वो हम डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ वाई अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द डब्ल्यू टी ओ भारत सरकार को वो स्कीम थी जो उसको बंद करना पड़ा लेकिन अपने एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करना भारत सरकार की मजबूरी है ज़रूरत भी है दैट इज़ वाई इन द वेक ऑफ दैट फिर हमने एक नया रास्ता निकाला कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनके कुछ एम्बेड कॉस्ट्स होती हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी टैक्स है मंडी टैक्स है तो ऐसे कुछ टैक्सेस होते हैं जो पहले किसी भी तरीके से ना तो हम उनको कंपनसेट करते थे ना हम उनको रिफंड करते थे ना हम उनके अंदर किसी किस्म का कोई रिबेट देते थे उनके लिए तो दैट इज़ बाय भारत सरकार ने सोचा कि हम इस रूट के थ्रू हम हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं हम उनको कंपनसेट करेंगे सो दैट दे में रिमेन कॉम्पिटिटिव इन द ग्लोबल मार्केट और ये जो नई स्कीम है जो 2021 में इंट्रोड्यूस की है तो इस स्कीम का नाम है आर ओ डी टी ई चलिए देखते हैं क्या है आर ओ डी टी ई पी रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स इज ए फ्लैगशिप एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स सो पहली बात तो ये है कि ये स्कीम क्या है दिस इज ए फ्लैगशिप एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ओके दिस इज ए फ्लैगशिप प्रमोशन स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स दिस इज इम्पोर्टेंट टू कीप इन माइंड एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम इस मिनिस्ट्री की है दिस इज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वट इज़ द दर्पज़ ऑफ दिस स्कीम दैट इज टू रिफंड टू द एक्सपोर्टर्स द एम्बेडेड सेंट्रल स्टेट एंड लोकल ड्यूटीज पेड ऑन इम्पोर्ट्स दैट वार सो फार नॉट रिफंडेड और रिबी इस स्कीम के अंडर हम क्या करते हैं कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको हम कंपेंसेट uh, करते हैं और रिफ़ंड करते हैं क्या जो वो सेंट्रल टैक्सेस पे करते थे पहले स्टेट टैक्सेस या कुछ लोकल ड्यूटीज पे करते थे इनपुट्स के ऊपर जि जिनकी पहले किसी भी तरीके से कोई रिफंड या कोई रिबेट उनके ऊपर नहीं दिया जाता था तो वो इस स्कीम के अंडर करते हैं परपस मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो हमारी पहली स्कीम थी उसके ऊपर ये कंसर्न रेज हुआ दैट इज़ ए सॉर्ट ऑफ सब्सिडी गिवन बाय द गवर्नमेंट टू इट्स एक्सपोर्टर्स दैट वाज अगेंस्ट द डब्ल्यू टी ओ नॉर्म्स बट हमने अपने एक्सपोर्टर्स को इंटरनेशनल बाजार में कॉम्पिटिटिव बनाए रखने के लिए सपोर्ट करना था दैट इज़ वाई हमने ये नई स्कीम लॉन्च की है इस स्कीम के अंडर फिर जो भी सेंट्रल ड्यूटीज स्टेट ड्यूटीज या कोई लोकल ड्यूटीज जो इनपुट्स के ऊपर जो लगती थी तो उनके लिए जो या वो ड्यूटीज़ हैं जो वो रिफंड की जाती हैं जिनका अर्लियर कोई रिफंड या रिबेट नहीं था इट इज़ ए न्यू स्कीम एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट जनवरी 2021. ये एक नई स्कीम है जो फर्स्ट जनवरी 2021 से एप्लीकेशन में आई है it was formed to replace the then existing M-E-I-S scheme. The so, scheme thi, which was attacked in the WTO by the various countries in the name of the subsidy, that scheme's name was tha -E M-E-I-S, that is, Merchandise Export from India scheme. So that was the name of the scheme. So RODT-EP, it was devised by the government and implemented from the फर्स्ट जनवरी ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी द एम ई आई एस स्कीम दैट इज मडाइज एक्सपोर्ट फ्राम इंडिया स्कीम तो वट वाज द एम ई आई एस पहले हम ये देखेंगे कि ये जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया स्कीम थी वो क्या स्कीम थी तो इट वॉज डिड टू इंसेंटिड एक्सपोर्टर्स इन ऑफसेटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर इन एफिशंसीज एंड एसोसिएटेड कॉस्ट जैसे हमने पहले बात की है तो हमारे कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इनफिशेंसी हैं जिनके चलते हुए जो भी एक्सपोर्टर्स हैं इन जो इंटरनेशनल बाजार में जो ट्रेड करते हैं दे मस्ट हैव टू टू बी द एक्स्ट्रा कॉस्ट तो दैट इज़ वाई उनको उस एक्स्ट्रा कॉस्ट के लिए कंपनसेट करते थे थ्रू द इंसेंटिव्स ये वो स्कीम थी इट वॉज कंसिडर्ड ए सब्सिडी इसलिए इसको दूसरे मुल्क कहते थे कि भारत सब्सिडी दे रहा है अपने एक्सपोर्टर्स के को एंड प्रोनाउंसड एज ए वायोलेशन ऑफ द डब्ल्यू टी ओ रूल्स इसको डब्ल्यू टी ओ रूल्स की वायोलेशन के तौर पर माना जाता था कि इंडिया इज़ वायोलेटिंग द डब्ल्यू टी ओ रूल्स ओके सो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है जो 2019 में उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि दिस इज़ ए वायोलेशन ऑफ द डब्ल्यू टी ओ रूल्स बाई इंडिया तो दैट इज वाई आप इंडिया के सामने कोई और ऑप्शन uh, नहीं थी बट टू रोल बैक द आई द एम ई आई एस सो जब हम एम ई आई एस को रोल बैक करते हैं तो हमें कोई अल्टरनेटिव लेके आना था अपने एक्सपोर्टर को सपोर्ट करने के लिए तो वो हम आर ओ डी टी ई पी की फॉर्म में लेके आए हैं तो आर ओ डी टी ई पी वाई इज देअर ओके सो वट इज देअर इन दिस स्कीम इसमें है क्या अंडर आर ओ डी ई पी एक्सपोर्टर्स विल भी कंपनसेट फॉर द नॉन क्रेडिटेबल ड्यूटी टैक्स कॉस्ट इस स्कीम के अंडर जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको हम कंपनसेट करते हैं उनको हम कंपनसेट करते हैं फॉर वट फॉर द नॉन क्रेडिटेबल ड्यूटी और टैक्सेस सच एज इलेक्ट्रिसिटी टैक्स ड्यूटी मंडी फी टैक्स ऑन फ्यूल एट्सट्रा दैट आर ए बेडेड इन द एक्सपोर्ट गुड्स क्योंकि जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी टैक्स है या कोई स्टैम्प ड्यूटी है या कोई मंडी फीस है या हमारा कोई टैक्स ऑन फ्यूल है ये भी तो गुड्स की कॉस्ट में एड होता है दैट इज़ वाई दिस इज़ ए बेडेड इन द एक्सपोर्ट गुड्स तो पहले इसके ऊपर कोई रिफंड या रिबेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देती थी तो अब हमने ये स्कीम बना के हमने प्लान किया कि हम आर ओ डी टी ई पी के थ्रू एक्सपोर्टर्स को अलाउ करेंगे और वॉट टू बी कम्पनसेटेड फॉर द एम्बेडेड टैक्सेस विच आर नॉट रिकवरेबल और रिफंडेड। तो अब हम ये जो एम्बेडेड कॉस्ट थी विच इज़ द इलेक्ट्रिसिटी टैक्स स्टैंप ड्यूटी टैक्स ऑन फ्यूल मंडी फी एक्सेट्रा अब हम इसके नेम के ऊपर हमारे जो भी एक्सपोर्टर्स हैं हम उनको कंपनसेट करेंगे इंसेंटिवाइज करेंगे सो दैट दे मे रिमेन कॉम्पिटिटिव इन द ग्लोबल मार्केट सो दैट इज द मेन परपजी टी ई पी द सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स एग्रीमेंट एस सी एम एग्रीमेंट कहते हैं ऑफ द डब्ल्यू टी ओ प्रोहेबिट्स ए गवर्नमेंट स्पेशली कंट्रीज अब सर्टन स्पेसिफिक थ्रेश होल्ड ऑफ डेवलपमेंट

एंड देर फोर उसके चलते हुए फिर हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था हमें एम ई आई एस को रोल बैक करके उसकी जगह पर हमें आर ओ डी टी ई पी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा सो वेरी क्लियर दैट हमारा जो एम ई आई एस था उसके अंडर हम हमारे एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिवाइज करते थे बिकॉज uh, हमारे कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इनफिशेंसीज हैं जिसकी चलते हुए एक्सपोर्टर्स को एडिशनल कॉस्ट बियर करनी पड़ती थी उसके लिए हम उनको इंसेंटिवाइज करते थे डब्ल्यू का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि दिस इज द वायोलेशन ऑफ द डब्ल्यू रूल्स एंड इंडिया कैन नॉट डू सो दैट इज़ वाई इंडिया हैड टू रोल बैक द एम एंड इन प्लेस ऑफ दैट वी हैड टू इंट्रोड्यूस द आर ओ डी एंड आर ओ डी टी ई पी के अंडर अब हम क्या करते हैं जो भी कुछ एम्बेडेड बेड कॉस्ट्स हैं एक्सपोर्ट के अंदर जैसे कुछ सेंट्रल ड्यूटीज हैं स्टेट ड्यूटीज हैं लोकल ड्यूटीज हैं फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी टैक्सेस हैं टैक्स ऑन फ्यूल है मंडी टैक्स है स्टैंप ड्यूटी है तो ऐसी कुछ जो कॉस्ट्स हैं जिनका पहले रिफंड नहीं मिलता था या रिबेट नहीं मिलता था तो अब हमने उनके ऊपर रिफंड और रिबेट देना स्टार्ट कर दिया है सो so दैट हमारे एक्सपोर्टर की जो कॉस्ट है उसको हम टू द एक्सटेंट पॉसिबल मिनिमाइज कर सकें टू कीप दैम कॉम्पिटिटिव इन द ग्लोबल मार्क सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द आर ओ डी डी ई पी आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट अगले अगली बार एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे थैंक यू thank you